स्कूल के बारे में, तो आप लोगों जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। बट आप क्या है, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि आपको जॉब दिलाने हेल्प करते हैं, बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे यार। अगर आपको सपोज यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर अ वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है आपको क्या है? जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी के सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में, एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग। कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने इनके पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट का आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर देना न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे। आई थिंक मैंने आपको बताया भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग, अगर आप क्या करो जॉब ले लो, फिर आपके पास आप क्या करना आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको, ठीक है? एंड ये तो रहा। एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा, जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार, एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता है तो मैं क्या करूंगा आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ठीक है, अभी फिलहाल के तो हम स्ट्रिंग पे मूव करते हैं कि स्ट्रिंग कैसे स्ट्रिंग क्या एक्चुअली में जाऊंगा वाला एक क्वेश्चन कि सपोज कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, अभी मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में। सपोज वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग, वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग, गिवन अ स्ट्रिंग एंड वी नीड टू प्रिंट द हाईएस्ट अकरिंग कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है एंड हमें उस स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा बार जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा बार आया है हमें वो कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो सपोज एग्जांपल लेके दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं इसके लिए। जैसे अगर हम ये ले लें एग्जाम्पल, यहाँ से लेते हैं एक बार, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ओके? एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब बताना इसमें सबसे ज्यादा इसमें जब इसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है। आई थिंक मैं थोड़ा इसको सही से लिखता हूँ, ये तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। तो एक सेकंड, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यहाँ पे लास्ट में ई है, देखते हैं कितनी बार आ रहा है। जी देखें, एक दो दो बार जी आया सिर्फ आपके पास। आर देखते हैं, एक यहाँ पे आया, दो यहाँ पे आया, तीन यहाँ पे आया, जी दो बार, आर कितनी, एक दो तीन चार। ए देखते हैं कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ आया बस एक बार आया। एस देखो कितनी बार आया, एक दो यहाँ तीन तीन बार आया ऐसे यहाँ पे। अब देखते हैं आई कितनी बार आया है, आई एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया, दो बार आया है। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास आता है एस, एस हमने देख लिया है, ई आता है हमारे पास, ई देखते कितनी बार आया है, ई एक बार यहाँ, यहाँ दो तीन चार पाँच, ई आया है 5 टाइम्स हमारे पास। एन देखते कितनी बार आया है, एन एक बार आया यहाँ पे सिर्फ, हो गया। ओ कितनी बार आया है, ओ सिर्फ भी एक बार आया यहाँ पे। टी कितनी बार आया है, टी कितनी बार आया है, टी एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया, दो बार आया सिर्फ। एच एक बार आया है, हो गया। एंड ई हमने देख लिया, वो देख लिया, एच देख लिया, समझ में। डी देख लो यार, डी आया सिर्फ एक बार। इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा कैरेक्टर ऑकर हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टाइम ऑकर हुआ है ई, ई हैज ऑकर्ड 5 टाइम्स इन द गिवन स्ट्रिंग। तो ई हमारे स्ट्रिंग में
पांच बार अकर हुआ है तो हमें और हमारा तो ई क्या हो गया, मैक्सिमम ऑकरिंग कैरेक्टर हो गया इन द गिवन स्ट्रिंग। हमें बस हमें ई को प्रिंट करना है। अब देख लेते हैं कैसे प्रिंट करेंगे। एक बार मैं जरा इसको फिर से रिमूव करता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ एंड फिर से अपना कैरेक्टर जो अपना स्ट्रिंग था इनपुट लिखते हैं। क्या था हमारे पास, ग्रास इज ग्रीनर और आई थिंक ग्रीन था, मे बी यू, एक मिनट देख लेता हूँ। ग्रास इज नहीं, ग्रीनर नहीं था, ग्रास इज ग्रीनर। On the other side, ठीक है। बट हमें देखना है कि इसमें से मैक्सिमम, इसमें बताना है कि मैक्सिमम ओपनिंग कैरेक्टर कौन है इस गिवन स्ट्रिंग में से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ी पता है कि कौन सा, देखो सबसे पहली बात तो ट्राई बटन, तो यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट्स क्या क्या है। तो पॉइंट्स टू सॉल्व, ये क्या क्या हो जाएंगे। पहले पॉइंट क्या है कि ट्रैवर्स, हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे कि हमें ये थोड़ी पता, हमें फिर से लिखना पड़ेगा कि हम क्या लिखा था हमने, ग्रास इज, सॉरी फॉर दिस बट फिर से लिखना पड़ेगा, आई थिंक थोड़ी नेट की दिक्कत है भी। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये लिखना हमने। और हमने क्या, हम क्या आई थिंक ये लिख रहे थे ना कि पॉइंट्स टू पॉइंट्स कोड, ठीक है, ऐसा लिख रहे थे। उससे पहले लिखा था ट्रैवर्स द स्ट्रिंग, हाँ जी ये लिखा था हमने। एंड अब देखो यार दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आप, हमें थोड़ी पता है कि हमारा मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम अग्रिंग कैरेक्टर है कहाँ पे है, कौन सा है और कितनी बार मिलने वाला है, हमें तो पता नहीं है अभी तक, ठीक है। सबसे पहले पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवल करना पड़ेगा एंड हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। सपोज हमने जी को लिया एंड जी के हम पूरे स्ट्रिंग पर ट्रैवल करेंगे यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक, एंड हम ये काउंट कर लेंगे कि जी कितनी बार ऑकर हुआ है। उसके बाद नीचे आके देख लेंगे कि जो हमारा मैक्स काउंट है अभी तक, सपोज कि जी के लिए काउंट आ गया 5 एंड हमने अभी हमारे मैक्स काउंट, हमने एक मैक्स काउंट वेरिएबल रखा हुआ है उसमें आगे, उसमें अभी 0 पड़ा हुआ है। तो हम देख लेंगे कि मैक्स काउंट की जो वैल्यू है क्या वो छोटी है अगर जी से, अगर छोटी है तो मैक्स काउंट की वैल्यू कर दो जी के काउंट के इक्वल, मतलब मैक्स काउंट में हो गया 5, ठीक है। अब देखो आर के लिए कर रहे हैं, आर के लिए पूरा रन किया हमने लूप और आर के लिए सिर्फ वैल्यू आई 2। अब हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं क्या मैक्स काउंट में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो आर के काउंट, अभी जो काउंट आई उससे छोटी है, क्या मतलब मैक्स काउंट में वैल्यू पड़ी है 5 क्या वो छोटी है 2 से आर से, नहीं ऐसा नहीं है, बस आपके वही रह गया। एंड हमें क्या करना है, प्रिंट करना है बेसिकली। तो देखो कैसे कर सकते हैं आप इसको, इसको इस हटाते हैं इसको एक बार, एंड अभी देखते हैं कि इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है कि हमने हमने जी को लिया एंड जी के लिए पूरे अपने स्ट्रिंग पर ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज कि जी के लिए अकाउंट आ गया 5, ऐसा कुछ आ गया एंड हमें ना कुछ वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे। सबसे पहले करना पड़ेगा इंट मैक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हम ये मैक्स हमेशा आपका हमेशा मैक्स नहीं, ये हर करेक्टर के लिए 0 से स्टार्ट होगा। सपोज कि जैसे आपने जी के लिए स्टार्ट किया तो जी के लिए रन करना, अपना लूप रन करना स्टार्ट किया तो ये 0 से स्टार्ट होगा। फिर आपने R के लिए रन करना स्टार्ट किया तो R के लिए भी 0 से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि R के लिए 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको आपको R जो है पहली बार मिल रहा है ना, तो आपके लिए आपके R के लिए भी 0 से स्टार्ट होगा ये। फिर A के लिए भी 0 से स्टार्ट होगा, फिर S के लिए भी 0 से स्टार्ट होगा, मतलब अपने मतलब एक हर नए कैरेक्टर के लिए आपकी मैक्स मैक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी हमेशा। उसके बाद आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा कैरेक्टर C, जो कि स्टार्टिंग में नल है, कुछ नहीं है उसमें अभी, सॉरी ये डबल कोट से नहीं होगा, सिंगल कोट से होगा ये, जो कि स्टार्टिंग में नल पड़ा हुआ है, टैक्सलेस एंड फिनल पड़ा हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने जी के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया पूरे एरिया में, हमें हमारा काउंट आ गया 5। अब हमें बेसिकली यहाँ पे 2 लूप करेंगे, पहला लूप होगा कि स्ट्रिंग पर ट्रैवल करने के लिए और दूसरा लूप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पूरा स्ट्रिंग ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। पहला लूप है स्ट्रिंग के लिए और दूसरा लूप जो है ये आपके उस कैरेक्टर के लिए ट्रैवल करने के लिए पूरे स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे काउंट वगैरह आ गया, नीचे आकर देखते हैं क्या हमारी ये हमारा काउंट यहाँ पे। और देखो जैसे ही हमें जी मिलता जाएगा अपने अपने मैक्स को, अपने इसको मैक्स मतलब इसको काउंट रख लिया, इसको काउंट रख लो 0 एंड इसको काउंट रख लो 0, ये काउंट आपका यहाँ रहेगा स्टोर, यहाँ पे रहेगा काउंट इक्वल टू 0 एंड आपका एक ग्लोबल बनाना, आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होगा मैक्स काउंट,
मैक्स काउंट इज इक्वल टू जीरो जो कि वो ग्लोबल। अब देखो कि आपकी मैक्स काउंट की वैल्यू क्या छोटी है काउंट से, अगर छोटी है ना तो यार ये कैरेक्टर जो अभी आपने जो कैरेक्टर चेक कर रहे हो आप, वो अभी का सबसे हाईएस्ट ऑक्टेन कैरेक्टर है, तो बस कुछ मत करो, अपने जो आपने कैरेक्टर सी बनाया था उसमें रख दो str.caret i एंड उसको प्रिंट कर दो, बस यही था आपका, इतना ही कहता था मैं इसमें। इसको एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं, आप कोड करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखो मैंने ये स्ट्रिंग पहले से यहाँ पर रखा है इनपुट लेके, अब क्या करता है, अब हमें क्या करना है, हमें दो वेरिएबल पहले इनपुट बनाने हैं इंट, और तीन वेरिएबल आई थिंक, पर एक दो तो ग्लोबल बनेगा एंड एक बनेगा अपने फॉर लूप के अंदर। इंट मैक्स ऑन इक्वल टू जीरो कैरेक्टर सी इज इक्वल टू बैक स्लैश एन दे दो, नल कैरेक्टर बना दो इसको, इसको रन कर दो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एसटीआर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ पे अपना एक काउंट बना दो इंट काउंट इक्वल टू जीरो, इसको काउंट कर लो इंट काउंट इक्वल टू जीरो, मतलब कितनी बार आया आपको काउंट करना है आपको यहाँ पे, ये हो गया काउंट इक्वल टू जीरो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन सॉरी आई तो हो गया है जे इज इक्वल टू जीरो जे लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। एंड हमने एक चीज पहले डिस्कस की तैयारी वाले क्वेश्चन में कि अगर आपकी आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है यहाँ पे तो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप जहाँ पे हो उसको ही कंपेयर करके बोल दो कि यार मुझे कैरेक्टर मिल गया, नहीं ऐसा नहीं करना है कि आप जहाँ पे खड़े हो उसको ही उसको खुद से कंपेयर कर लो, मतलब आप अपने आप को खुद से कंपेयर कर रहे हो तो ये सही नहीं है ना, इसलिए ये कंटिन्यू यहाँ पे कर दो कंटिन्यू। अगर ऐसा है ठीक है, अगर इसके अलावा str dot char at i के जो वैल्यू परी है क्या वो इक्वल है str dot char at k पे जो वैल्यू परी है उसके, अगर ऐसा है तो काउंट को इंक्रीज कर दो ठीक है। इसके बाद लूप से बाहर आकर चेक करो क्या आपके मैक्स काउंट पे जो वैल्यू परी है क्या वो छोटी है काउंट से, अगर ऐसा है ना यार तो अपने आपके जो कैरेक्टर है उसमें रख दो एस टी आर डॉट कैरेट आई अपने रख दिया एंड यहाँ पे अपने कैरेक्टर को प्रिंट कर दो, देखो रन करके देखते हैं इसको, आई थिंक आ जाता है इसमें एंड ये देखिए आपके पास इनपुट हमारा जो आउटपुट है सेकंड हमारा जो आउटपुट है हमारा जो आउटपुट है ई आ रहा है, हमने डिस्कस किया था पहले भी ई की फ्रीक्वेंसी 5 थी, ई आ रहा है हमारा आउटपुट, बस यही करना था हमें। हमने एक लूप चलाया स्ट्रिंग के लिए, ये स्ट्रिंग के लिए लूप है और ये लूप से कैरेक्टर के लिए पूरे स्ट्रिंग में, उसके बाद देख लो ये तो सिर्फ कि अगर आप सी हो मतलब आप सपोज कि आप ये आप अपने ई को यहाँ लिया एंड आप कंपेयर करते आ रहे हो, आप इस ई को खुद से कंपेयर करके बोल रहे हो कि यार ये कैरेक्टर मिलते नहीं, ये ऐसा थोड़ी है आपको आगे वाले चेक करने उसको छोड़ के, तो बस इसके लिए लगाया उसके बाद देख लो कि आपको दूसरा है, मतलब ये आपको दो और आपको ये कहाँ मिल रहा है, बस इतनी काउंट इंक्रीमेंट कर लो नीचे आके कंपेयर कर लो, बस इतना से वीडियो में, थैंक यू सो मच।